जयपुर में पुलिस की तत्परता के चलते एक बड़ी वारदात होने से टल गई। दरअसल शहर के विद्याधर नगर थाना इलाके की अंबावाड़ी सब्जी मंडी में स्थित एक दुकान की बेसमेंट से बदमाशों ने करीबन 300 फीट सुरंग को खोद डाला। बदमाशों ने दुकान के पास एक बैंक को टारगेट किया था, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। स्पेशल रिपोर्ट है, वो पहले आपको दिखाते हैं। विद्याधर नगर थाना इलाके में अंबावाड़ी सब्जी मंडी स्थित दुकान नंबर M12 के बेसमेंट से चार बदमाशों ने डकैती करने के लिए दिन रात लगाकर 10 फीट नीचे 300 फीट लंबी सुरंग खोद डाली। वारदात से पूर्व मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सुरंग के ऊपर आलू से भरा ट्रक मिट्टी में धस गया। तब सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सुरंग पर ट्रक का पहिया धंसने की जानकारी बदमाशों को लगी तो वो फरार हो गए। इधर पुलिस ने सुरंग का पता लगते ही पीछा कर एक आरोपी अमन निवासी यूपी को हिरासत में ले लिया। सुरंग की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई, DCP नॉर्थ राशि डोगरा डूड़ी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। सुरंग बनाने के लिए जो वहाँ से नीचे से मिट्टी खुदाई किया, वो कट्टों में भर के अंदर रखा था और धीरे धीरे उसका डिस्पोजल भी कर रहा था। और क्या क्या चीज बरामद हुई अंदर से? अभी कोई बरामदगी का कोई डिटेल नहीं है। जैसे मुलजिम पकड़ में आएंगे, उसका रिकॉर्ड कंगाल के उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी की माने तो बैंक या उसके पास स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने के इरादे से बदमाशों ने जून 2023 में दुकान सोहन नाम के व्यक्ति से किराए पर ली थी। बदमाशों ने सोहन को बताया कि वह पशु आहार बेचेंगे। दुकान किराए पर लेकर बदमाशों ने पहले तो दुकान के बाहर 2 गेट लगवाए और दोनों पर काली फिल्म चढ़े शीशे लगवाए गए। उसके बाद बदमाशों ने दुकान के बेसमेंट से 6 फीट नीचे खुदाई शुरू कर दी। बदमाश खुदाई करते और मिट्टी को कट्टों में भरकर ई रिक्शा से खाली जमीन पर फेंकाते। इससे आसपास के दुकान वालों को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचते थे कि इन कट्टों में पशु आहार भेजा जा रहा है। बदमाशों ने दुकान मालिक को भी फर्जी आईडी दी थी। राजधानी की विद्याधर थाना पुलिस की तत्परता के चलते जयपुर शहर में एक बड़ी वारदात को होने से टाला गया है। दरअसल अगस्त 2023 माह में अंबावाड़ी की इस दुकान को 4 युवकों ने किराए पर लिया था। इस दुकान को किराए पर लेने के वक्त उन 4 युवकों ने ये कहा था कि हमें ये दुकान पशु आहार के लिए लेनी है। 11,000 रुपये प्रति माह ये दुकान तय हुई थी और उसके बाद में वो अपना काम करते रहे। लेकिन आज सुबह जब इस दुकान के 500 मीटर दूरी पर एक सुरंग देखी गई, क्योंकि एक आलू का भरा हुआ ट्रक जब उस सुरंग के ऊपर से गुजरा तो मिट्टी नीचे बैठ गई। उसके बाद में पुलिस मुखेर पहुंची और भागते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम अमन बताया जा रहा है। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये जैसी मशीन खड़ी है वहाँ पर ये सुरंग निकली थी। अब इस सुरंग का मौका मुआयना किया गया। जो अधिकारी है FSL के, वो मुकेर पहुँचे, SP मुकेर पहुँचे और तमाम साक्ष्य जुटाकर ये तय किया गया कि चारों जो युवक है वो यूपी की एक गैंग से संबंध रखते हैं। लेकिन अगर समय रहते उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये वारदात का जो मुलजिम था वो मुकेर से फरार हो जाता। प्रथम दृष्टया जहाँ सामने आ रही कि जो इस 500 दूरी पर एक बैंक स्थित है, SBI बैंक, उस SBI बैंक को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले 6 महीने से लगातार अंदर ही अंदर तहखाने से जो मिट्टी खोदी गई वो भी उन्होंने अपने एक ई रिक्शा के जरिए उस मिट्टी को यहाँ से हटा दिया, जिससे कि किसी को मौके का भ्रम ही ना हो सके। हालांकि घटना खुल चुकी है, एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। माना जा रहा है कि बाकी अपराधी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उम्मीद करते हैं जो बाकी के आरोपी है वो भी जल्द पुलिस गिरफ्त में होंगे, जिससे कि इस वारदात का पूरी खुलासा किया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट SR शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।